नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने लाइव क्लास अर्न अप ग्रुप एंड फाउंडेशन में। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास में हमने बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस किया है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लाइव क्लास की वीडियो में। और दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस लाइव क्लास की वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके जो मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। तो दोस्त, अब आते अपनी क्लास की ओर। तो व्हाट इज बाइनरी नंबर इन कंप्यूटर? आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है पहले भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि बाइनरी और टू बेस, यहाँ देख रहे होंगे बाइनरी और बेस टू। बाइनरी का जो बेस होता है ओनली दो बेस होता है, ओनली फॉर टू बेस। दो बेसेस है बाइनरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एन्यूमेरिक सिस्टम दैट ओनली यूज टू डिजिट 0 और 1। दो बेस कहने का मतलब हो गया कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो दो बेस आपको दिख रहे होंगे अभी साफ साफ, यहाँ पर 0 और 1, ये दो बेस है बाइनरी के। कि बाइनरी में हम लोग अगर जानेंगे तो ओनली टू बेस, दो ही बेस है हमारे बाइनरी के, ठीक है, 0 और 1। मैं आपको इसको ना क्लेरिफिकेशन करता हूं थोड़ा सा कि 0 और 1 क्या है। तो अभी आप देख रहे होंगे यहां पर हमने जो टाइप कर रखा है, तो 0 और 1 कंप्यूटर ऑपरेट इज बाइनरी, मीनिंग दे स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन यूजिंग ओनली 0 और 1। ए सिंगल बाइनरी डिजिट कैन ओनली रिप्रेजेंट ट्रू 1 और फॉल्स इज 0। इसको अगर डिनोट किया जाता है, 0 का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दूं कि हमारी कंप्यूटर जो भाषा समझती है वो दो भाषाएं समझती है, या तो हाँ या तो ना, यानी 0 और 1, ठीक है, डन। 0 और 1 आपकी कंप्यूटर जो भी होती है, आपने कभी एक चीज नोटिस करना कि आप कोई भी चीज भी यहाँ पर टाइप करते हो, अगर टाइप करने के वक्त अगर देखते होगे कि कुछ भी टाइप करते हो, तो आपका जो कंप्यूटर है वो अटेंडम टाइम में या तो 0 पे काम करेगा या तो 1 में, यानी आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा या तो 0 होगा, यानी ट्रू और फॉल्स दो ही चीज होता है। तो अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, 0 और 1, ए सिंगल बाइनरी डिजिट कैन ओनली रिप्रेजेंट ट्रू 1 और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का भाषा समझता है ये, क्लियर रहिएगा, ट्रू और फॉल्स का भाषा समझता है ये बंदा। कंप्यूटर एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है, एवरी कैन कैलकुलेशन टेक 0 और 1। मैं अभी पेंट खोल रहा था, पेंट खुला नहीं, एक मिनट, मैं पेंट पे अभी पूरा एकदम ग्राफ करके बताऊंगा आपको कि 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्टलाइजेशन क्या है, ठीक है, तो शायद आपको समझ में आए। चलिए अब 0 और 1 के बारे में मैं डिफाइन कर दूं कि अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 0 और 1, जैसे कि मैं बता दूं कि मैं 0 और 1 बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं तो सम काइंड्स, अगर मैं 0 लेता हूं यहां पर और 1 भी लेता हूं, सपोज दैट ये 0 और ये 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पूछने वाला बंदा ये भी कह सकता था कि सर 0 ही क्यों और 1 ही क्यों है, यहां पर 0 का जगह 1 भी हो सकता था, 1 के जगह पर 2 या 3 या कोई भी संख्या हो सकता था। तो इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि क्यों इसे हम लोग यूज करते हैं 0 और 1 में। पहला बात, 0 इज अ नल वैल्यू। आपको पता होगा कि 0 जो है हमारा नल वैल्यू, नल का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, 0 का मतलब हो गया कि नल, नल का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 0 जो है हमारा नल वैल्यू है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, नल का मतलब कुछ भी नहीं। अब 1 की बात करें, अगर जस्ट आ जाते हैं 1 की बात करें, तो आप कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, 1 का कैलकुलेशन जो होता है वो x बराबर 1, आप मैथमेटिक्स में देखे होंगे x बराबर 1, ठीक है, x को 1 मान के चलते हैं हम लोग, कभी भी देखे होंगे। y बराबर भी बहुत जगह 1 लेकर के चलते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा संख्या है जो ये खुद से ही खुद में कटेगा, पहला चीज, 1 को काटने के लिए कोई दूसरा संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए मैं बता दूं कि डेसिमल वैल्यू की अगर बात करें, तो डेसिमल वैल्यू जो होती है 0
से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, इस टाइप से डॉट 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 9, यहाँ 9 तक जाती है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड डेसिमल वैल्यू, इसे हम लोग डेसिमल वैल्यू कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखें यहाँ पर दीजिएगा कि 0 to 9 में अगर जो वैल्यू है, आप कोई भी संख्या ले लो ना, सपोज दैट मान लो 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, इस प्रकार का कोई भी अंक ले लो, कोई भी अंक उठा लो, तो आप देखोगे कि उस अंक में क्या 0 से 9 का ही अंक यूज होता है, कोई बाहर का कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं आता है। या आप रिमेनिंग देख लो, 0 के 9 के बाद 10 अगर आता है तो 10 लिखने के लिए 1 यहीं से रिपीटेड है और 0 भी यहीं से रिपीटेड है, तो हम लोग यहाँ रिपीटेड चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ रिपीटेड चीजों को यूज कर रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात। तो अब एक चीज समझिए कि 0, 1 में क्या फर्क है। 0 का मतलब नल, नल का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग फॉल्स मान के चल सकते हैं। अब इसको फॉल्स अगर मान सकते हैं तो x के बराबर हम लोग 1 लिए हैं, तो 1 तो एक वैल्यू है ना, ये तो कुछ नहीं, एक वैल्यू है। 0 अभी मान लो सिंगल 0 रख दो, किसी को 0 रुपए देना, तो 0 रुपए तो कहीं नहीं होती है, या तो 1 रुपया दो या 50 पैसे दो या 20 पैसे दो या 10 पैसे दो, तो मतलब वहां एक वैल्यूएबल नंबर है, मतलब 1 इज अ वैल्यूएबल नंबर, ठीक है। तो 1 है तो 1 के पीछे अगर मैं 0 लगा दूं तो ये 10 कहलाएगा, लेकिन इसी 1 के आगे अगर 0 लगा दे तो ये 10 नहीं, ये 1 ही कहलाएगा। क्लियर, आप समझ सकते होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट ये था कि आप देख रहे थे हमारे इसमें कि हमने यहां पर 0 और 1, तो यहां एक चीज नोटिस कीजिएगा, पहला नंबर में है कि 1 और फॉल्स, 1 जो है फॉल्स के मामले में है, 0 आपका ब्लोइन लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है, एक समझ लीजिए। यहाँ 0, 1 को हम लोग फॉल्स और 1 को ट्रू मानते हैं, यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू ट्रू और 0 इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है, आप कोई भी डेटा पास करो, अगर डेटा समझ में आएगा उसको तो वो 1 के फॉर्म में ले लेगा, अगर नहीं आएगा तो 0 के फॉर्म में लेगा, यानी एरर करेगा, ठीक है। तो ये था बाइनरी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट के बाद, व्हाट इज बाइनरी एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है, बाइनरी क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं द बाइनरी सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज ए बेस 2 नंबर सिस्टम, दैट मीन्स इट ओनली यूजेज 2 नंबर 0 and 1, इट 0 and 1, व्हेन यू ऐड, आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ दैट मीन, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, समझिए इसको, मैं पहले इतनी दूर तक क्लियर कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। द बाइनरी सिस्टम इज ऑन द अदर हैंड, बाइनरी सिस्टम जो है अदर हैंड है, इज बेस 2 नंबर, यहाँ क्लियर हो गया, इसका बेस 2 ही नंबर है, 2 नंबर क्या है, तो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, इज दैट क्लियर। दैट मीन्स, अब देखिए यहां से, दैट मीन्स इट इज ओनली यूज 2 नंबर, इट इज ओनली यूज 2 नंबर, ये 2 नंबर को ही यूज कर रहा है, ओनली 2 नंबर को ही यूज कर रहा है, इज दैट क्लियर, यानी 0 और 1 को, 1 को ही यूज कर रहा है। आप कुछ भी लिखते हैं, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर कुछ भी बताएं कि आप यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी एनी वन कुछ भी टाइप कीजिए, तो आप, आपको लगता है कि हमने ए बी सी डी टाइप किया है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है उसको 0, 1 के फॉर्म में समझता है, ये समझिएगा, उसको क्या समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में समझेगा, ठीक है। व्हेन यू ऐड 1 to 1, ठीक है, व्हेन ऐड 1 to 1, अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 1 to 1, यू मूव द 1 spot टू द लेफ्ट इनटू द 2 प्लेस एंड पुट ए 0 in the 1 प्लेस, समझे, 1 is equal to 1, दैट मीन्स इसका 2 प्लेस है और 0 is equal to 1 प्लेस, इसका प्लेस 1 है। लेकिन यहां पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि देखिए यहां पर ये 10 किया हुआ है, ठीक है, इच
बाइनरी डिजिट इज ए नॉन एज अ बिट, मतलब बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिट पे है। बिट दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम को दो चीजें हैं, बिट और बाइट, ये दो चीजें हमारे सिस्टम अच्छी तरह से समझते हैं, बिट और बाइट। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा अमित बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी का कॉन्सेप्ट है कि इच बाइनरी डिजिट नॉन एज अ बिट, ये बाइनरी जो डिजिट होते हैं जीरो और वन के, वो डिजिट बिट और बाइट में देखे जाते हैं, ओनली बिट और बाइट में देखे जाते हैं। हाउ, ठीक है, कैसे? तो अब मैं बता दूं कि कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं सिंपली कि मैं अभी क्लियर करता हूं बाइनरी का क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, अब यहां आते हैं। देखिए बिट का क्या है, वन बिट इज इक्वल टू 8 byte, वन बिट इज इक्वल टू 8 byte, ठीक है अमित, समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत होगा पूछ सकते हो, ठीक है। वन बिट इज इक्वल टू 8 byte, और 8 byte byte यहां हो जाएगा, 8 byte byte, 8 byte इज इक्वल टू 1 bit, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। एक बिट बराबर 1 byte बराबर 8 bit, 8 byte बराबर 1 bit। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर रहना। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। यहां पर देखो इच बाइनरी डिजिट, यहां से इच बाइनरी डिजिट इज नॉन एज अ बिट। बाइनरी जो डिजिट है यानी जीरो और वन, ये दोनों बिट पे डिपेंडेबल है। तो अब मान के चलो जीरो अगर है तो क्या होगा, जीरो अगर है तो यहां पर क्या होगा, 8 times 0 होगा। मैं इसको क्लियर करता हूं अभी, ठीक है। अब जीरो अगर होगा तो वो 8 times 0 होगा। अगर मैं जीरो लूंगा तो 8 times, 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times और 8 times, ठीक है। अगर 1 भी लेंगे तो 8 times लेंगे, 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times और 7 times और 8 times, ठीक है, 8 times। मतलब ये समझो कि हमने बाइनरी को कॉन्सेप्ट जो किया 8 बिट के वर्जन में कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जीरो और वन, तो जीरो तो पहले ही मैंने बताया कि नल वैल्यू, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। किसी संख्या के पीछे अगर जीरो लगता है तो उसका 10 times मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुना उसका वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन वन एक्स बराबर वन लॉजिकली माना जा सकता है क्योंकि ये ऐसा संख्या, ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो अभी मान लो कि हाँ हमने 8 times लिख दिया, तो अगर 8 को 8 by 8 करके देखो तो क्या आता है, 8 by 8 इज इक्वल टू व्हाट, तो 8 by 8 इज इक्वल टू 1, तो 1 यहां निकल गया। इज दैट प्रूफ कि बाइनरी में 1 क्यों यूज किया गया, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं, ठीक है, पेयर दैट मीन्स जोड़ा, ठीक है। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर और 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, समझ में आया होगा, 8 पेयर है। तो 8 को मान लो पेयर बना दिए, दोनों को एक साथ ऐड कर दिए, तो 8 को वो छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करो जो पूर्ण रूप से इसको काट पाए। ये 8 से अगर काटेंगे डायरेक्टली तो ये तो एक बार में ही कट जाएगा, 8 एकम 8 खत्म, फाइनली हाथ में वैल्यू क्या आया, 1। तो 1 को मैंने प्रूफ किया कि 1 हमने क्यों यूज किया। अगर इसको कोर कॉम्बिनेशन में लेते हैं
तो जीरो वन, यहाँ पर वन डालेंगे जहां जीरो है, यहाँ वन, फिर जीरो, फिर वन, एक जीरो छोड़ करके वन लगाना है, और उसके बाद ही पेयर बनाओगे तो पेयर चार ऊपर में बनेंगे, चार नीचे में बनेंगे, ठीक है। अगर हम मान के चलो सिंपली अगर ऊपर से पेयर बनाते हैं तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर, नीचे से बना लो चार पेयर बनेंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर, क्लियर। तो चार डिवाइड बाई चार, ठीक है, चार डिवाइड बाई चार अगर काटते हैं तो क्या आएगा, पूर्ण रूप से कटा वन आया, तो वन इज इक्वल टू क्लियर दैम, कि ये क्लियर हो चुका है कि वन हम लोग क्यों यूज करते हैं। वन इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग कोई भी डेटा को पास करवाते हैं, किसी भी डेटा को अपने सिस्टम पे पास कराते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा को यूज करते हैं, तो वन हमारे जो डेटा राइट डेटा है उसको ट्रू में कन्वर्ट करता है, और जीरो जीरो ये करता है कि जो हमारे रॉन्ग डेटा है उसको एरर इंडिकेट करता है, उसको गलत कहता है कि वो गलत है, यानी हमारा सिस्टम ट्रू और फॉल्स दो ही चीजों को समझने की क्षमता इसमें है, ना कि आपके रोने के साथ वो रोएगा। सिस्टम हैज नॉट अ फीलिंग, अ नॉट अ इमोशन, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है किसी प्रकार का। आप बेहिचक काम कीजिए, आप ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, आप रोएंगे तो सिस्टम आपके साथ रोएगा, ये सब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी बाइनरी में, आगे चलते हैं, क्या देखते हैं आगे, हाउ डू यू यूज द वर्ड बाइनरी, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है हाउ डू यू यूज द वर्ड बाइनरी, वर्ड बाइनरी क्या है, ठीक है, कि हम लोग कैसे वर्ड बाइनरी को यूज करते हैं। तो सिंपल सा बात है कि बाइनरी को हम लोग निकालते भी हैं, किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी इन ए सेंटेंस इन ए गेम ऑफ चेस, बाइनरी जो है एक चेस की तरह गेम है। आप देखे होंगे कि ये किस प्रकार से चेस बता रहा है, कि चेस का देखते होंगे तो एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट पूरी चेस में बनी होती है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग जो बाइनरी को यूज करेंगे तो 0 1 0 1 0 1 1 1 0 इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी डेटा पास कराते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से बाइनरी कन्वर्ट होती है। मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करूं आगे, वन विनर, देखिए यहाँ पर साफ है वन विनर, मतलब वन जो इंडिकेट होगा वो विनर होगा, मतलब ट्रू, यानी वो सही है और उसपे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वन लूजर, एक विनर है और एक लूजर है, कहने का मतलब एग्जांपल में लिया गया है ये कि एक बंदा, दो बंदा है जो एक विनर है और एक लूजर भी है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ लिस्ट बाइनरी ऑप्शन फॉर एन इंडिविजुअल जेंडर एज आइदर मेल और फीमेल बिकॉज द बाइनरी टॉय वॉज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ टू पीसेस इट वॉज इजी टू पुट टूगेदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बाइनरी का कॉन्सेप्ट है जो ये जो डेफिनेशन कह रहा है, डेफिनेशन का क्या कहना है कि बाइनरी पहला बात तो जो है वो चेस के थ्रू है, चेस मतलब हिंदी में बोला है तो उसको शतरंज बोला जा सकता है, शतरंज की तरह है, ठीक है। और उसमें एक चीज और खासियत क्या है कि वो दो एग्जांपल लिया, दो बंदा को खड़ा किया जो एक विनर है, विनर मतलब जो जीता हुआ बंदा है, लूजर जो हार चुका बंदा है। अब उसको कोई आदमी डिनोट करने के लिए बोलेगा मैथमेटिक्स में, तो आप किस प्रकार से डिनोट करेंगे, जो जीता है तो आप बोलेंगे वन और जो हार गया है उसे जीरो, मतलब वो तो हार गया उसको कुछ नहीं मिला, जो जीता तो उसको कुछ तो मिला, उसको वैल्यूबल मिला है कि हाँ आपने जीता है इस मैच को, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको वो डिनोट करके बताया। दूसरा जो है लिस्ट ऑफ बाइनरी ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल जेंडर, इंडिविजुअल का मतलब हो गया अलग अलग दो जेंडर के लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, तो आप उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं मेल फीमेल को। तो मेल फीमेल को आप सिंपल सा बात है, अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू में अगर उसको काउंट किया जाए तो आप बोल सकते हैं मेल को ट्रू बोल सकते हैं, फीमेल को फॉल्स बोल सकते हैं, एफ एफ से मैच भी कर रहा है, या तो आप फीमेल को वन बोल सकते हैं और मैं फीमेल को
ट्रू बोल सकते हैं और मेल को फॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाइनरी 01, ध्यान रखिएगा 01, F और T, अल्फाबेटिकल में अगर कोई बोलेगा F और T, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ये क्लियर रहिएगा। या तो बहुत लोग इसे क्या करते हैं, कभी कभी राइट और रॉन्ग के फॉर्म में ले लेते हैं, W और R से डिनोट कर देते हैं। तो 1 को R से डिनोट किया जाता है और 0 को W से भी डिनोट किया जाता है। बहुत लोग बाइनरी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इक्वल टू 0 and 1। दिस इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज टू कन्वर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज में भी बोला जा सकता है, ठीक है। प्रोग्राम भी अगर कर रहे हैं तो कहीं कहीं आप देखे होंगे, अगर कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो वहां पर 0, 1 का कहीं ना कहीं वैल्यू पुट किया जाता है। बहुत ऐसे जगहों पर जो C++ और सी या जावा का कॉन्फ़िगरेशन बनाते होंगे, कॉन्फ़िगर करते होंगे या सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही कॉन्फ़िगर करते हैं। कहीं कहीं उनको यूज करना पड़ता है कि हम कोई सिग्नल पास करा रहे हैं तो वहाँ ट्रू होना चाहिए, तो वहाँ पर 1 से इंडिकेट करते हैं, और वहाँ अगले जगह पर फॉल्स होना चाहिए, वहाँ पर फॉल्स भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इट वॉज ईजी टू पुट टूगेदर। ये ईजी है पुट करना, ये बहुत ईजी है कि कैसे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा अगर कि हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के पहले बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या होगा, मैं बताता हूं आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क में जानने से पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है ये पहले पकड़ लीजिए। नेटवर्क के बाद IP क्या होता है, HTTP क्या होता है, ठीक है, TCP/IP क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क सिंपली अगर देखा जाए कि नेटवर्क क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए, ए नेटवर्क कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर, बोला जाए मल्टीपल कंप्यूटर, एक से ज्यादा, ठीक है, 2, 4, 5, 6 इस प्रकार का कोई भी, या 100, 200। तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटर कनेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड। द बेस्ट नॉन कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट। मतलब बेस्ट नॉन मतलब जानने के लिए बता रहा है कि कंप्यूटर का नेटवर्क जो है इंटरनेट, इंटरनेट को मान लीजिए एक कंप्यूटर नेटवर्क पे ही काम कर रहा है, दैट मींस बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो मतलब वो एक नेटवर्क है, ठीक है। ग्रुप्स में बना हुआ है, दैट मींस कि आप भी कुछ और चला रहे हैं, हम भी कुछ और चला रहे हैं, तो दैट मींस ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क। सिंपल सा बात है कि व्हाट इज नेटवर्क, एक लाइन में बोलिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो एक नेटवर्क कहलाता है। अगर बात करें कि व्हाट इज आईपी, आईपी क्या है, तो आईपी का सबसे पहले, इसके बाद हम आईपी पे आते हैं। व्हाट इज आईपी, आईपी इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक इंटरनेट, यहाँ पर जो हमने इंटरनेट का यूज किया है तो यहाँ पर पी लगा दोगे, दैट मीन्स प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल असाइंड टू ईच डिवाइस, असाइंड टू ईच डिवाइस, ठीक है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन एंड आईपी एड्रेस सर्व्स टू प्रिंसिपल फंक्शन होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। आप कभी भी नेट पर सर्च करके देखना तो नीचे में एक नंबर, यहाँ पर कॉर्नर में देखना, कभी भी राइट साइड के कॉर्नर में देखना, इस जगह पे आपको एक नंबर फ्लैश करता है, नंबर रन करता है, जैसे होगा 192.168.0.1 इस प्रकार का हो सकता है, या हो सकता है 172.45.1.on या 255.0.0। तो 255 जो वो सबनेट मास्क हो गया, आईपी जो हो गया आपका 192 हो गया। आईपी बहुत प्रकार के होते हैं,
जनरली अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ आईपी होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, और जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप हमारे लाइव क्लास के बाद ही इस चीज को बकायदा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करूं आईपी की, तो सिंपल सा बात है, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है असाइन टू ईच डिवाइस, नोट ऑन योर कॉपी अमित। ठीक है, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड टू ईच डिवाइस पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। एन आईपी एड्रेसेस सर्व्स टू प्रिंसिपल फंक्शन, सर्व्स टू प्रिंसिपल फंक्शन, उसके दो प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं, होस्ट नेटवर्क इंटरफेस और आइडेंटिफी लोकेशन एड्रेसिंग। ठीक है, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस दो प्रकार के हैं इसके प्रिंसिपल, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस, ये दो अलग अलग इंटरफेस है, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन करता है लोकेशन कहाँ है और उसको एड्रेसिंग करके आउटपुट देता है। अब ये हमने आपको आईपी के बारे में बताया, ओनली आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब मैं बताता हूँ आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस, ए यूनिक स्ट्रिंग। ठीक है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप, जो आईपी एड्रेस होता है उसको सेपरेटेड किया जाता है फुल स्टॉप से। मैं दिखाता हूँ आईपी एड्रेस कहाँ हमने डाल रखा है, अभी हमारे सिस्टम पे जो आईपी एड्रेस चल रहे होंगे, जैसा कि मैं दिखा दूं आपको भी, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे जो है कौन सी आईपी एड्रेस रन कर रही है या कौन से हम आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, माय सिस्टम आर स्लो बिकॉज हैव अ नेट इश्यूज। अब स्टेटस देखो, देखिए यहाँ पर हमने जो कनेक्शन रख रखा है इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर चले जाते हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज चेक करना होता है किसी भी चीज को देखने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाकर के उससे चेक कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन से आईपी को यूज कर रहा है, कौन से क्लास की आईपी को यूज कर रहा है। तो मैंने बताया क्लास की आईपी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका आईपी एड्रेसिंग 192.168.43.182, मतलब ये क्लास सी की आईपी है। पहला क्लास मतलब आईपी को पकड़ने का मैं तरीका बता देता हूँ, क्लास ए की आईपी कौन सी होगी, क्लास बी की आईपी कौन सी होगी और क्लास सी की आईपी कौन सी होगी। तो 10 से अगर कोई स्टार्टिंग में, जहाँ मैंने यहाँ देख रहे होंगे आप 192 जो यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ पर सिर्फ ओनली 10 होता है 10 तो वो ए क्लास की आईपी होगी। आप दूसरे फेज में देखेंगे क्लास बी की आईपी अगर जानना होगा तो आप देखेंगे जहां 192 है यहां पर, वहां पर 172 होंगे, 172 दैट मींस वो क्लास बी की आईपी होगी और क्लास सी की आईपी 192 से शुरू होती है। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं 192 की आईपी यूज कर रहे हैं, यानी क्लास सी की आईपी को यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो स्ट्रिंग, अब यहां पर हमने बात कर रहा था यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप। आप देखिए एक आईपी के बीच में एक स्टॉप लगा हुआ है, यहां पर फुल स्टॉप है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, आप देख रहे होंगे यहां पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, हर आईपी के बीच में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब एक नंबर के बाद 192.168.43.182, मतलब ये जो आईपी के अंदर जो फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आईपी को पकड़ने का रेंज भी है, इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। कि ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर
separated by full stop that identify its computer is the internet protocol to communicate over a network. ये क्या करता है कि आपको आपकी इंटरनेट से कनेक्शन अगर कर रहे हो या नेटवर्क के कनेक्शन में हो तो वो प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, कम्युनिकेट कराने का काम करता है ओवर द नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क, ये चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है, ओवर द नेटवर्क, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अमित, राइट डाउन ऑन योर कॉपी, ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड बाई फुल स्टॉप दैट आइडेंटिफाई इच कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, ओवर अ नेटवर्क। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि व्हाट इज आईपी एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसिंग इज अ डिफरेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी सी अंतर है, दीज आर द सेम बट थोड़ी सी अंतर है उसके बीच में, सम चेंजेज, ओके। अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो दोस्तों यूं ही बने रहिए हमारे साथ लाइव क्लास में, और ढेर सारी जानकारियां मैं थोड़ी थोड़ी करके देता ही रहूँगा, और मिलते हैं अगले क्लास में नए टेक्निक के साथ, नए फंडे के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट से कमेंट जरूर करें। दोस्तों जब मैं आपको लिंक भेजता हूं तो आप इस लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी लाइव क्लास में आने के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं और हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ फिर अगले दिन नए क्लास में, नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।